अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, PK24 जो आपकी तरफ से मैं हूँ इस्माइल अब्बास। दोस्तों अखबार सियासत स्क्रीन के ऊपर दिखा गया, आप लोग देख सकते हैं आर्मेड इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी यानी पाकिस्तान आर्मी के अंदर एज ए सिविलियन की भर्ती शुरू है। इसके लिए पूरे पाकिस्तान से मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तमाम तर तफसरत आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, अप्लाई करने के तरीक़ेकार क्या है, कौन कौन सी असामियाँ उनके लिए, आप लोगों के पास कितनी तालीम होनी चाहिए, तमाम तर तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना, ज़रा से भी स्किप नहीं करना ताकि आप लोगों को मुकम्मल समझ आ जाए। सबसे पहले दोस्तों अगर असामियों की बात की जाए तो स्टेनोटाइपिस्ट पे स्केल 14 तादाद असामी है कि तालीम आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड 40 और शॉर्ट एंड के लिए 80 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए, कंप्यूटर में महारत होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के पास MS ऑफिस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। डोमिसाइल दोस्तों सिंध रूलर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन है, इसका दोस्तों पे स्केल 11 है, असामियों की तादाद एक, तालीम आपके पास BA सेकंड क्लास KPKA के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रो मेडिकल टेक्नीशियन है, इसके दोस्तों स्केल 9 है, असामियों की तादाद 2 है, तालीम आपके पास FSC होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसके लिए पंजाब और सिंध रूलर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर रिसेप्शनिस्ट के असामी है, इसके स्केल 7 है, असामियों की तादाद 3, तालीम मैट्रिक, पंजाब और सिंध रूलर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों पांचवें नंबर पर आया है नायब कासिद और उसके बाद दोस्तों फीमेल स्वीपर है। दोस्तों यहाँ पर इनका आप लोग स्केल चेक कर सकते हैं। तालीम की बात की जाए तो प्राइमरी पास होनी चाहिए और मुतल्लिका काम में महारत होनी चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डोमिसाइल के अंदर मकामी लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अप्लाई करने की बात की जाए तो बहुत ही आसान तरीके का है, आप लोगों ने सादा कागज़ के ऊपर दरख्वास्त लिखनी है। दरख्वास्त के ऊपर दोस्तों आप लोग ने अपना मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आप लोगों ने ये तीन चीज़ें वाजह तौर पर लिखनी है। दोस्तों आप लोगों ने हाथ से दरख्वास्त लिखनी है, दरख्वास्त के साथ आप लोगों ने तमाम रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। आप लोगों ने तालीमी असनाद, 2 अदद ताज़ा तरीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो और अपने वालिद के कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल और उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने अपने तालीमी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने तस्दीकशुदा दरख्वास्त के साथ अटैच करने, दरख्वास्त आप लोगों ने कमांडेंट AFIRI ये दोस्तों पता इस पते के ऊपर आप लोगों ने बड़डाक पहुंचा देनी है। दोस्तों अगर आप लोग पे स्केल 5 से लेकर पे स्केल 14 तक की असामियों के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोगों ने 400 रुपये का कमांडेंट AFIRI ये दोस्तों इसके नाम आप लोगों ने ड्राफ्ट बनाना है और आप लोगों ने दरख्वास्त के साथ अटैच करना। पे स्केल 1 से लेकर पे स्केल 4 तक की असामियों के लिए अगर आप लोगों ने अप्लाई किया तो आप लोगों ने 300 रुपये का कमांडेड AFIRI ये दोस्तों आप लोगों ने ड्राफ्ट बनाना है और आप लोगों ने दरख्वास्त के साथ अटैच करना। बाकी ये दोस्तों नीचे जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने खुद रीड कर लेनी है। अखबार इश्तहार डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। आप लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 जून 2021। आप लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, ये दोस्तों अखबार इश्तहार है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड करके आसानी से रीड कर सकते हैं। अगर आप लोगों के इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक दीजिए। इस्माइल अब्बास को इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।